अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। दलित की हत्या हुई है कि नहीं हुई है, प्रधान की हत्या हुई है कि नहीं हुई है, आज के दिन जिस दिन राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, पंचायती राज की स्थापना की थी, दलितों अकलियत के लोगों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया था, आज पंचायत राज में आप यह स्थिति पैदा करेंगे, व्यक्ति की आजादी को पर हमला करेंगे। पिछले दिनों आजमगढ़ में दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दलित प्रधान सत्यमेव जयते के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इतना ही नहीं, सर्किट हाउस के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। कैसा निषेध, क्यों किसी के टुक में नहीं शामिल हो सकते? दलित की हत्या हुई है कि नहीं हुई है, प्रधान की हत्या हुई है कि नहीं हुई है, आज के दिन जिस दिन राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, पंचायती राज की स्थापना की थी, दलितों अकलियत के लोगों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया था, आज पंचायत राज में आप यह स्थिति पैदा करेंगे, व्यक्ति की आजादी को पर हमला करेंगे, किस कारण रोक रहे हैं? कारण तो बता दीजिए। कोई लिखित आदेश है? आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पूनिया, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत को जिला प्रशासन ने गांव में जाने से रोक दिया और किसी भी कार्यकर्ता को बड़े नेताओं से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जब हम अपने कार्यक्रम में निकल रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो यहाँ देखा ताला लगा हुआ। हमने बताया हम सांसद हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, आर के चौधरी जी हैं, बिजलाल खाबरी जी हैं, तो पूर्व सांसद हैं, वो उनको रोका जा रहा है। हमने कहा कि कोई आदेश हो तो बताइए, कोई आदेश नहीं। ये इस तरह से अनाधिकृत असंवैधानिक नज़रबंदी, ये खेचने के गलत है, ये हमारे जो विशेषाधिकार हैं उनका हनन है। पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, इसको जरूर उठाएंगे, ये तानाशाही नहीं चलेगी। और हम कर क्या रहे थे? हम केवल जो पीड़ित परिवार है, जो प्रधान जी हैं जिनकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई है, उन वहाँ जाके परिवार को संवेदना व्यक्त करना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि न्याय मिला कि नहीं मिला, उनको जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिली कि नहीं मिली, सरकार का रवैया क्या है, पुलिस का रवैया क्या है, लेकिन वहाँ नहीं जाने दे रहे। गौरतलब है कि बीते दिनों दलित प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम की आजमगढ़ जिले में बांस गांव में 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कथित तौर पर एक उच्च जाति के आरोपी द्वारा उसे मार दिया गया, क्योंकि उसने सामाजिक न्याय की वकालत की थी। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।